कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को पार्टी कार्यालय पर बैठक करके राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में महानगर में महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में ऑनलाइन परीक्षा के जरिए भारत को सशक्तिकरण की यात्रा से जुड़े 60 सवालों का सही जवाब देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसके लिए प्रथम पुरस्कार लैपटॉप, द्वितीय पुरस्कार मोबाइल फोन, टैब व सैकड़ों सांत्वना रखा गया है। प्रतियोगिता में 16 से 22 वर्ष के छात्र छात्राएं शामिल हो सकते हैं। परीक्षा 13 और 14 सितंबर को ऑनलाइन होगी। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा, पहले ही हम लोग अपना प्रदर्शन दिखा चुके हैं इस कोरोना इस महामारी, इसमें www.shivajosh.in वेबसाइट के माध्यम से हम लोग हमको यह बताने का कार्य करें कि किस तरह से आप इस प्रतियोगिता से जुड़कर अपने व्यक्तित्व के निखार को, अपने प्रतिभा को प्रदर्शित करने का कार्य कर सकते हैं, चाहते हैं समझना चाहते हैं, तो आदेशों का पालन करते हुए अधिक से अधिक संख्या में छात्रों तक, युवा वर्ग तक पहुँचना है, उनसे फॉर्म भरवाना है, उनसे अनुरोध करना है कि वे अपने व्यक्तिगत व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने पारिवारिक लोगों से, जितने अपने स्कूल के छात्र हैं उनसे फॉर्म को भरवाएं। यह फॉर्म कोई बहुत कठिन नहीं है भरना, और 16 से 22 वर्ष की उम्र के छात्र जो है वह मुख्यतः यह जिम्मेदारी हम लोग NSUI की ही मानी जाती है कि NSUI जो कि छात्र संगठन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँचे, और हम लोग को यह टास्क मिला हुआ है तो हम लोग भी अपने काम में लगे हुए हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 10 टीम तैयार की गई है NSUI गोरखपुर द्वारा, पिछले 20 तारीख से अब तक हम लोग प्रतिदिन 1000 रजिस्ट्रेशन करवाने का कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने छात्रों तक हम लोग पहुंचने का कार्य कर रहे हैं, और हम लोग का टारगेट यही है कि प्रतिदिन 1000 का टारगेट हम लोग को मिला हुआ है, उसको निश्चित रूप से पूरा करें। सामान्य जन उपस्थित है और मैं चाहूंगा कि आप सभी अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतः निर्वहन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने फ्रंटल संगठन है जी, उनसे प्रेस वार्ता थी तो, और उनको टास्क भी है, इसके लिए करना भी है तो थोड़ा उनको जरूरी है। आज का प्रेस वार्ता का जो उद्देश्य है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो भारत रत्न इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, जिनका सपना था युवा भारत का, युवाओं के लिए उन्होंने एक सपना देखा था, उनके जन्म के स्मृति में 20 अगस्त को जो है उनका जन्मदिवस था, पिछले साल उनका 75वां जन्मदिवस था, उसी पिछले साल से ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्वर्गीय राजीव गांधी जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराया जाता है। ये अब की यह द्वितीय प्रतियोगिता है जो 13 और 14 सितंबर 2020 को आयोजित है, जिसके लिए आज यह प्रेस वार्ता की गई कि इस जनपद में गोरखपुर जनपद के हमारे सभी फ्रंटल संगठन कांग्रेस के आज यहाँ उपस्थित हैं, यह लोग अधिक से अधिक इस प्रतियोगिता का प्रचार प्रसार हो सके आप लोगों के माध्यम से, और हमारे जनपद के युवा जो 16 से 22 साल के हैं उनको इस प्रतियोगिता में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के जो भाग लेना है, जो www.yuvajosh.in पर जाकर के इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और 13-14 को ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होकर के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों को क्रमशः लैपटॉप, मोबाइल और टैब वितरित किया जाएगा। उसके बाद भी हर जनपद के जो सामान्य से थोड़ा सा अधिक अच्छे लड़के हैं, युवा हैं, उनको सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा। और इसमें एक बात और बताना चाह रहा था आपसे कि पिछले बार यह परीक्षा जो है विद्यालय में संपन्न हुई थी, अब की कोरोना की वजह से यह ऑनलाइन परीक्षा हो रही है। पिछले वर्ष 5 लाख छात्रों ने, छात्र छात्राओं ने इसमें जो प्रतिभागी बने थे, अब की भी 2 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। हम लोग चाहते हैं और हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे, इसीलिए आज ये प्रेस वार्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राएँ इसमें रजिस्ट्रेशन करा करके सम्मिलित हो सकें। और इस समय तो आज से ही शुरू है, रोज 5 क्वेश्चन जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनसे पूछे जा रहे हैं, और उसमें भी 2 सवालों का सही जवाब देने पर उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी जी के स्मृति में उनका एक ऐसा यह मुहिम चलाया है कि हमारे देश के युवा जो 16 से 22 साल के हैं, जिनके लिए राजीव जी सपना देखा करते थे, उनका जो है उनको ज्ञान मिल सके, वह प्रतियोगिता में बैठ करके आगे बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का जो है अपना अवसर मिल सके।
इसके लिए जो है यह आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई है।